एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद सहारनपुर के ब्लॉक पंबारका में स्थित बट्टन वाला मुस्तकम गांव पड़ा। लगभग 2500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान मंसूर अहमद हैं। लगभग 1000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में 90 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 32 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 60 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर, सोलर लाइट व 60 LED लाइट भी लगवाई गई है। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में खडंजे, सीसी टाइल्स रोड, प्राइमरी स्कूल में शौचालय तथा बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 144 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसी टाइल्स रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान बट्टन वाला मुस्तकम ब्लॉक कुमारगा जिला व तहसील सहारनपुर का, मैंने तकरीबन 800 मीटर सीसी डलवाई, 3-4 सीसी डलवाई और LED लाइट लगवाई हर पोल पर, और राजीव गांधी योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर लगाया और सीसी डल दिया है, उस पर काम जारी है। वे विधायक निधि से मैंने गांव में 144 शौचालय बनवाए हैं और स्कूल प्राइमरी स्कूल में शौचालयों की मरम्मत और स्कूल में हैडपम्प लगवाया। मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव की जो चार दीवारी हो, या जब भी इसका स्वच्छ अभियान का फायदा हो सकता है, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं हो सकता। हमारे गांव में गांव के आबादी से लगाया तालाब है, चारों तरफ इसके रास्ते हैं, इसमें कभी भी घटना घट सकती है, कभी गाड़ी गिर जाती है इसमें, कभी आदमी डूब कर मर जाता है और बिल्कुल आबादी के किनारे पर है, तो इसकी हमें सौंदर्यकरण चाहिए, इसका चार दीवारी होनी चाहिए जब भी इसका स्वच्छ अभियान का फायदा हो सकता है। और इससे हमारे गांव में मच्छर पैदा होते हैं जिससे बहुत बीमारियां पैदा होती हैं। एक हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी हमारे गांव का बिल्कुल खराब हो गया है, इससे हमारे गांव में कई लोग कैंसर से पीड़ित हैं, पानी से कैंसर हो रहा है, तो हमारे गांव में बराए करम टंकी की व्यवस्था कराई जाए, टंकी हमको दे दी जाए, तो इससे हमें बहुत हमारे गांव को बहुत लाभ होगा। कई लोग मर चुके हैं कैंसर से। ये हमारे गांव का तालाब है, मैं इस तालाब के किनारे भी खड़ा हूँ। इस तालाब से हमारे गांव में बहुत मच्छर पैदा हो रहा है और हमारे गांव में बहुत बड़ा नुकसान है इससे। इसकी सौंदर्यकरण हो जाना चाहिए, इससे मच्छर पैदा हो रहा है, बहुत बीमारियाँ पैदा हो रही और रास्ते चलने वालों को बड़ी दिक्कत है, छोटे छोटे रास्ते हुए कट कर सब इसी में गिर गए, और जो हमारे गांव का मेन रास्ता है वो सब कट के इसी में गिर गया, और गाड़ियों को और आदमियों को निकलने में बड़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं। इसमें कई गाड़ियाँ गिर गई, कई आदमी मर गए, कभी कोई कार गिर जाती है, कभी मोटरसाइकिल गिर जाती है इसमें, तो ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी पूरे गाँव की सबसे बड़ी समस्या हमारी है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी इसका लेटर भी देगा, खुद लेटर देगा, मैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी लेटर देगा, और जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी लेटर दिया इसका, और जिला अधिकारी को भी लेटर दिया, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं खुद लखनऊ इसका लेटर दे रहा था, उस पर वो आ भी गया था सहारनपुर, लेकिन उसकी इसकी पैमास होकर जय साहब आए थे, लेकिन उस पर कोई इस पर सुनवाई नहीं हुई, ना इस पर कोई पैसा इसका आवंटन हुआ, ना एस्टिमेट बन गया, उसका कागजों में ही रह गया वो।